कुछ इस तरह का रास्ता मिल रहा है हमें, पता नहीं क्या है भाई। वो एरिया कोसरनाग वाला है जहाँ से ये पानी आता है। आपने सुना ही होगा कि कोसरनाग अहरबल में वहाँ पे है वाटरफॉल। तो और अभी हमें यहाँ नीचे से घूम के जाना है, काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ यहाँ पे। मौत के छू के हम जिंदगी में वापस आ गए क्योंकि बॉर्डर आ गया था बीच में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खैरियत से होने चाहिए। तो आ चुका हूँ एक और बार नए व्लॉग के साथ, और आज मैं साहिल और इम्तियाज़ जा रहे हैं एक प्यारी सी जगह पे, जगह का नाम है अहरबल, जा रहे हैं हम वाटरफॉल पे। तो अचानक प्लान बना है तो फिलहाल निकल चुके हैं आप। तो गाइस मौसम देखो यार क्या है, आज एक नंबर है यार, हेलमेट डाल गया था। तो गाइस कश्मीर की एक चीज़ हमने देखी कि हेलमेट कोई भी यूज़ नहीं करता यहाँ पर। फिलहाल हम हैं शोपियां में, शोपियां पहुंचने ही वाले हैं, और इसे एप्पल सिटी भी कहा जाता है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कश्मीर के सबसे ज़्यादा जो सेब है वो यहीं पे पाए जाते हैं। और आप आसपास बाग देख सकते हैं, और बाग इतने, मतलब ये सेब के पेड़ इतने ज़्यादा बड़े हैं कि जो इनके सेब हैं ये बाहर रोड पर लटक रहे होते हैं। तो कुछ इस तरह का एरिया है भाई। अब शोपियां पहुँचते हैं और उसके बाद जाना है हमने अहरबल वाली साइड। तो फिलहाल हम पहुँचे हैं शोपियां, और ये शोपियां मेन मार्केट है। फिलहाल कुछ इस तरह की मार्केट है, अभी मुझे लग नहीं रहा है कि ये शोपियां मेन मार्केट है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है बोल रहे हैं भाई। अब देखते हैं कि आगे क्या। तो ये है इसका शोपियां का मेन बाज़ार, और यहाँ पे आपको दिखेगा एक बड़ा सा घंटाघर। भैया ये चल रही नहीं है, टाइम क्या हुआ? ये चल नहीं रही है, फिक्स है मुझे लगता है। नहीं यार ये चल रही है, दो साइड है भाई, ये तीनों साइड है। तो हमने फिलहाल जाना है इस साइड, और यहाँ पे एक और बड़ी ही प्यारी सी मस्जिद है कश्मीर में ना, शोपियां की मेन मस्जिद ये है। एक गाड़ी है, ओ यार कितनी खूबसूरत है यार, मैं तो कहता हूँ चलते हैं इसके अंदर नमाज वगैरह पढ़ के फिर निकलेंगे आगे के लिए। तो फिलहाल हम निकल चुके हैं अहरबल के लिए, और इस वक्त हैं हम मुगल रोड पे, जो कि शोपियां से, जो आपको पता ही है कि जम्मू जाती है बाए पीर की गली से, तो यही है मुगल रोड। फिलहाल थोड़ा सा इस पे आगे तक जाना है, क्योंकि हम पहले शोपियां आए थे तो वहीं पे हमें थोड़ा काम था, वो काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है ख़त्म। तो फिर वहाँ से हमने कहाँ जाना है, हमने जाना है इस साइड अहरबल, और ये गया रास्ता पीर की गली के लिए, यानी कि जैसे मुगल रोड ये इस साइड पड़ी, तो हमने जाना यहाँ पे। तो यहाँ से हम जुदा हो गए मुगल रोड पे। अभी तक हमें क्या था कि हम मुगल रोड पे चल रहे हैं भाई। कौन सा ये देखो, कुछ इस तरह का कैफे बना हुआ है यहाँ पे, कुछ इस तरह का रास्ता मिल रहा है हमें, पता नहीं क्या है भाई साहब। ओ भाई साहब बहुत मुश्किल हो गई, ये मेन रोड है कुलगाम अहरबल के लिए। थैंक यू भैया। एक लड़का था बेचारा, बहुत ही अच्छा था, मदद की इसने थोड़ी सी हमारी। कुछ इस तरह के इलाके में पहुँचे हैं, गांव ही है समझे, कुछ इस तरह का रोड है। पहुँचे हैं हम कुछ इस तरह की जगह पे, आप जगह चेक करें, मैं कुछ बोलने नहीं वाला इस जगह के बारे में। ये अहरबल से पहले है शोपियां रोड से, मतलब जो अहरबल के लिए रास्ता जाता है उसी रास्ते पर ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ही हरियाली है, और बारिश का बिल्कुल मूड बन चुका है, और हमें लगता है कि बारिश होने वाली है। अलबत्ता शुक्र है कि गाड़ी में उतनी टेंशन तो नहीं होने वाली है, फिर भी थोड़ी बहुत तो परेशानी होगी। चलते हैं फिलहाल सीधा अहरबल। तो भाई साहब पहुँचे हैं कुछ इस तरह की हम लोकेशन पे, यहाँ से देखें आप पूरा ये अहरबल का व्यू है। मैंने नहीं पता, पेड़ भी चार सका। हाँ बिल्कुल चार सका जनाब, ऐसी कोई गाली नहीं है। और वो पार आप देख रहे हैं, ये अहरबल पार्क है, और यहाँ पे नीचे कैंपिंग भी करते हैं। अब पता नहीं ये टूरिस्ट वालों की कैंपिंग लगाई हुई है या ऐसे लगाए हुए हैं। तो जो अहरबल वाटरफॉल है वो इस साइड है, तो वो हमें फिलहाल वहाँ से घूम के जाना होगा। तो यहाँ से पूरा अहरबल जो है वो दिखता है, इसलिए यहाँ से आपको पूरा नज़ारा दिखाने के लिए हम रुके हैं। और पार आप पहाड़ों पर धुंध देख सकते हैं, और ये है कुछ अहरबल। तो निकलते हैं फिलहाल यहाँ से, और सीधा मिलते हैं आपसे वाटरफॉल के पास। तो पहुँचे हैं हम अहरबल वाटरफॉल से थोड़ा सा पीछे, वहाँ पे वाटरफॉल है, और हम उस रास्ते आए हैं वहाँ से होके। तो ये है कुछ लोहे का पुल जो अभी हम क्रॉस करके, ये नदी देख रहे हैं वाटरफॉल वाली, और यहाँ पे अपने इम्तियाज़ भाई साहिल भाई दोनों इन्जॉय कर रहे हैं। और कुछ इस तरह की जगह है भाई साहब, कितनी ही प्यारी। और अगर आप वो ऊपर देख रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल बादल छाए हैं, उस वो एरिया कोसरनाग वाला है जहाँ से ये पानी आता है। आपने सुना ही होगा कि कोसरनाग अहरबल में कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो यहाँ से कहते हैं कि अगर पैदल चलोगे तो पूरा दिन लगता है, यानी कि अगर सुबह अगर आप जल्दी निकलोगे तो आप शाम के टाइम तक वहाँ पहुँच सकते हो। तो ये यही रास्ता है जो ये आप सामने अगर देख रहे हो। तो यहाँ से ऊपर जाके बंगलों भी बने हैं, टूरिस्ट बंगलों अहरबल के, वो भी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके ही है। तो फिलहाल चलते हैं सीधा वाटरफॉल के लिए, और वहीं पर मिलते हैं आपसे।
तो ये अहरबल का मेन मार्केट है अहरबल, ये है पार्क है। तो यहाँ से अभी एंट्री हमारी, जाते हैं वाटरफॉल के लिए। तो ये पार्क है यहाँ की, झील शाह पार्क नाम है इस पार्क का। तो अब सीधा निकल रहे हैं हम अहरबल वाटरफॉल के लिए, क्योंकि हमें पार्कों में घूमने का उतना शौक़ है नहीं है, तो चलते हैं सीधा उधर ही। तो वैसे सब कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ जो है शुरू हो चुकी हैं, और लकली आज खुला था, हमने सोचा क्या पता ना जाने देते हों। तो वहाँ पर है वाटरफॉल, तो और अभी हमें यहाँ नीचे से घूम के जाना है। काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे यार, काफ़ी नज़ारा है। तो यहाँ पे है भाई साहब नेचुरल स्प्रिंग वाटर, ये खुद देखें आप, ये पत्थर ही पत्थर है, पत्थरों में से पानी निकल रहा है, और पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है भाई साहब। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, ये आप पार देखें, पत्थर पहाड़ कितनी खूबसूरती से बनाए हुए हैं, ऐसा मैं बोलता हूँ कोई भी आर्किटेक्ट या आर्टिस्ट नहीं बना सकता। तो ये देखें, ये भी अल्लाह की कुदरत है, सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह कितनी खूबसूरत है ये देखें। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां तक लास्ट तक आते हैं, और वहां पे रास्ता आगे से बंद है, वहां से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि पिछले साल यहां पे कुछ सुसाइड वगैरह किए थे लोगों ने, उस वजह से नहीं जा पाते हैं। तो फाइनली पहुँच चुके हैं हम वाटरफॉल के सामने, ये देख सकते हो ये नायगारा वाटरफॉल, कितना ही तेज़ पानी है भाई ये देखें, और बहुत ज़्यादा गहरा है। पहले वहाँ तक जाने देते थे, पर पिछले साल एक दो सुसाइड केस आए, उसके बाद वहाँ नहीं जाने देते, अब सिर्फ वहाँ तक जाने देते हैं। उसके बाद तारे वगैरह लगा के बंद की हुई है, और ये आप सामने नज़ारा देखें, और ये पहाड़ देखें कितने ही ऐसे, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे खुद बनाए हुए हैं किसी ने। और ये है कुछ इस तरह इस साइड का नज़ारा, और ये जो दरिया है ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये आता है कोसरनाग से, और वहाँ से ऊपर रोड है जहाँ से हम अभी आए हैं। तो भाई साहब बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आया, और यहाँ तक आते हैं इसके बाद बिल्कुल नहीं जाने देते, और यहाँ से बिल्कुल ऐसे जगह बनाई हुई है, और ये देखें यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा है। और पीछे नीचे देखें यार, कितना ही ख़तरनाक लग रहा है ऐसे देख के ही, बहुत तेज़ पानी है भाई, पानी बहुत तेज़ है भाई, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो निकल चुके हैं हम यहाँ से वापस, और उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, और इनसे साहिल भाई से पूछते हैं कि इनको कैसा मज़ा आया। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा है मुझे, मेरा सपना था कि मैं यहाँ पे आऊँ, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। पूछते इम्तियाज़ भाई को, पहले इम्तियाज़ भाई कैसा लगा? मेरे हिसाब से हमारा यहाँ पे आना एक अच्छा ही आइडिया था, हम पहले कह रहे थे बारिश आने दी है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अच्छा लग रहा है। पहले हम थोड़े सुस्त हो गए थे ना, यही था, वही कह रहा हूँ यहाँ पे आने का हमारा अच्छा डिसीजन। बिलाल भाई को मैंने कहा नहीं भाई जाएंगे, हमने फोर्स किया तब लाया ये, है ना, ये बारिश काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, मज़ा आ गया बिल्कुल। हमने मौत को छू के हम जिंदगी में वापस आ गए, क्योंकि बॉर्डर आ गया था बीच में, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। बिलाल भाई क्या कहना चाहते हैं? यार मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मज़ा है बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ही अच्छी जगह है, पर सेफ से कुछ भी कहीं भी जा रहे हो अपने आप का ख्याल रखें, ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़े। सेफ्टी एक नंबर है भाई, मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल सेफ्टी एक नंबर है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट बिल्कुल करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया अपने फ्रेंडों वगैरह को शेयर करो कि बताओ क्या कुछ दिखा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कश्मीर को, अच्छी तरह देखो आप भी, मज़े लो घर बैठ के, क्योंकि इस मौसम में यार कोई पागल ही जाएगा बारिश में। तो एंड करते भाई, मिलते हैं एक अच्छे से और मस्त व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।